अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए क्या कहना चाहते हैं आप। जय हिंद सर। बोलिए सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस देश के नेताओं की भूख इतनी बढ़ गई है, वो किसी भी डिपार्टमेंट को छोड़ना नहीं चाहते, खेल क्या किसी भी चीज को नहीं छोड़ना चाहते। मैं इन नेताओं को कहता हूँ, अगर इनकी जितनी भी भूख है, एक बार पैसा लेके इस देश को छोड़ दो, इस देश के लोग बहुत मेहनती है, वो दोबारा खड़े हो जाएंगे, इस देश को दोबारा खड़े कर लेंगे, लेकिन कृपया करके हमारे देश को बख्शो। बिल्कुल, कहां से बोल रहे हैं आप? जय हिंद सर। जय हिंद, धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद, बोलिए। रचना शर्मा। बोलिए रचना जी। शायद रचना जी का कॉल कट हो गया है, हम कहेंगे कि दोबारा बात करें, हम चाहते हैं कि महिला भी आगे आए। वैसे तो बिंदास बोल में पुरुष तो बहुत बड़ी संख्या में कॉल करते हैं, हम उनको प्रार्थना करेंगे कि आप अपने बगल में बैठे अपनी माता, भगिनी, पत्नी, इनको कहिए कि वो कॉल करें, उनको समझाइए कि वो ऐसे विषयों पर बोले। हम बहुत साधारण भाषा में, आम हिंदी में आपके सामने विषय लेकर आते हैं, आपके दिल को छूने वाले, आपके दिल में जो चल रहा है ऐसे विषय लेकर आते हैं। बहुत बार हम सवेरे विषय तय करते हैं कि क्या आज विषय हो, फेसबुक पर जब डालते हैं कि आज विषय क्या हो आप हमको बताइए, तो 80% 85% वही विषय लोग बताते हैं जो हमने ऑलरेडी सिलेक्ट किया होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हिंदुस्तान का दिल क्या कहता है, लोगों के मनों में आज क्या भावना है, लोगों के मनों में क्या विषय का कार्यक्रम हो ये वो चाहते हैं। और आम व्यक्ति की संवेदनाओं से जुड़ा हुआ सुदर्शन होने के कारण आपके मन में जो बातें चल रही है, यही बातें हम बिंदास बोल में लेकर आते हैं, और इसी कारण ये विषय पर आपको बोलना जरूरी है। अगले कॉलर। जय हिंद, बोलिए। हाँ जय हिंद सर। जय हिंद, क्या कहेंगे? मैं आपको पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ, ये सुदर्शन न्यूज में जिस तरीके से आप अपने प्रोग्राम को पेश करते हैं और ये हिंदुस्तान की बात करते हैं, ये देश तो कब का बिका हुआ था, यहाँ पे किसी की आवाज सुनाई नहीं दे जा रही थी, आपके न्यूज चैनल के माध्यम से हमें लगता है कि हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ और बधाई देना चाहता हूँ कि ये प्रोग्राम आप उठाते हैं, इन प्रोग्रामों के वजह से जनता, जो आम जनता है, वो जागरूक हो जाती है कि अब क्या हो रहा है इस देश के बारे में, हमारा क्या हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए। लगानी चाहिए जो ये देशद्रोही होते हैं, ये भी देशद्रोह के साथ ही रहते हैं। इसमें सर मेरी ये रिक्वेस्ट है कि ऐसे लोगों को नंगा कर दिया देना चाहिए, इनके मुंह पे वो जो पर्दा लगा देते हैं ताकि लोग उनको पहचानते नहीं है, उनको बिना पर्दे के लोगों के सामने खड़ा कर देना चाहिए और काली पूती लगानी चाहिए उनके चेहरों पे, और इनको आइडेंटिफाई करना चाहिए कि इनको किसी भी बड़े ओहदे पे हम आगे नहीं रखेंगे। धन्यवाद सर। धन्यवाद, बड़ी अच्छी सजेशन दी है हमारी इस कॉलर ने कि जिनको अरेस्ट किया गया है वो श्रीशांत हो या तमाम जो सारे नाम हैं, हालांकि उनके नाम से श्री को हटाना चाहिए, लेकिन ये सारे नामों को ऊपर, इन आरोपियों को जब पकड़ते हैं तो उनके चेहरे पर काला पर्दा लगाकर उनको कोर्ट और मीडिया के सामने क्यों पेश किया जाता है। यही वो लोग हैं जो आपकी भावनाओं पर खेलकर अपने चेहरे को बेचकर पैसा कमाते हैं, मॉडलिंग करते हैं और कई प्रोडक्ट के ब्रांड एम्बेसिडर बनते हैं। अब वहाँ पर शायद पैसा कम लग रहा है, इसलिए सतोड़ियों के अब ये ब्रांड एम्बेसिडर बन गए हैं और अब ये ऐसी कंपनियाँ खोलते हैं जिस कंपनियों के उद्देश्य में लिखा होता है कि ये जुगाड़ या जुगाड़ जैसे बिजनेस को करेगी। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। जय हिंद सर। क्या कहेंगे? रचना शर्मा। बोलिए रचना जी। हाँ जी, रचना शर्मा सोनभद्र रेणुकूट से। हाँ, मेरा राजनेताओं से अनुरोध है कि राष्ट्र को तो भ्रष्टाचार की आग में झोंक ही रहे हैं, कम से कम राष्ट्र के युवाओं का जहाँ शारीरिक और बौद्धिक विकास का मार्ग प्रशस्त होता है, वहाँ तो वो अपना जहर ना फैलाएं। धन्यवाद। धन्यवाद। बिल्कुल सही बात आपने कही कि सब जगह पर आपने गंध फैलाई है, कम से कम एक घर को तो आप छोड़िए, ये एक घर को तो वो डाकिन भी छोड़ती है, भुतनी भी छोड़ती है, ऐसा कहा जाता है, कहावत है, कम से कम आप इसे घर को छोड़िए। लेकिन ये जानते हैं, अगर खिलाड़ी स्वाभिमानी होता है, शारीरिक बौद्धिक दृष्टिकोण से वो मजबूत होता है, अगर वो मजबूत होगा, ऐसे हिंदुस्तानी अगर सक्षम हो जाएंगे
तो इनके भ्रष्टाचार के ऊपर आवाज उठाने वाले मजबूत हाथ आगे आएंगे, इसलिए सबको दबा के रखना चाहते हैं। इसलिए सहकार हो, बैंकिंग हो, राजनीति हो या व्यापार हो, राजनेता सब जगह पर अपने पिट्टू बिठा देता है और उसके द्वारा सब लोगों को दबा के रखने का काम करता है। अगले कॉलर के पास चलते हैं, आप भी कॉल कर सकते हैं। हाँ जी, जय हिंद बोलिए। हाँ जी, जय हिंद जी। क्या कहेंगे? हम बोलेंगे भी जो हम बातें कर रहे हैं, हाँ, इन मंत्रियों के खिलाफ खड़े होइए, खड़े होइए। हाँ। खड़े होकर हम क्या करेंगे? ये तो आपको आतंकवादी बनाकर जेल में डाल देंगे। हाँ। तो आप इनके खिलाफ खड़े होंगे तो ये तो आपको बहुत उल्टे पुलटे वो काम बताकर कोई ना कोई केस डालकर अंदर डाल देंगे। हम ऐसे इनके साथ कैसे खड़े हो जाएंगे? लेकिन फिर चुप, लेकिन सर आप कॉल चालू रखिए, क्या आप चुप बैठकर और लुटना चाहते हैं? नहीं, हम तो ऐसे है अपना पहले एक बनाए सिस्टम जो आपके साथ हम कॉन्टेक्ट करते रहे, खड़े हो, आप अपना ग्रुप हो, फिर इनके साथ ये किया जा सकता है। इकट्ठे होकर जन के जो ये कपला करते हैं, हेरा फेरी। बिल्कुल धन्यवाद। हम चाहते हैं कि देश में सज्जन शक्ति एकत्र आए, इसलिए आप अपने अपनी जगह पर सामाजिक संगठन बनाइए। सरकार, राजनीतिक दल बदलते रहेंगे, कोई राजनीतिक दल आ गया है मतलब सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा भी नहीं। झूठी आशा रखिए, उसके ऊपर भी सज्जन शक्ति का दबाव बनाने के लिए सज्जन शक्ति एकत्र आए और आपने यहाँ पर संगठित हो ऐसा प्रयास करिए। ऐसा करने के लिए अगर आप हमारी कोई मदद चाहती हैं तो आप ज़रूर हमको बिंदास बोल @sudarshantv.com पर लिख कर भेजिए, हमारे पते पर पत्र व्यवहार करिए। हम एक ऐसे विषय पर काम करने के लिए सामाजिक क्षेत्र के लोगों का आह्वान करते हैं कि आप अगर समय दान देना चाहते हैं, ऐसे विषय पर काम करने के लिए आगे आना चाहते हैं तो हमारे इस अभियान से जुड़िए। आपके समय दान का उपयोग हम समाज को संगठित करने के लिए करेंगे और ऐसे संगठन विभिन्न जगह पर अपने अपने मुद्दों को उठाकर आतंकवाद हो, जातीयवाद हो या राष्ट्रीय प्रवृत्तियां, इनको रोकने के लिए काम करेगा और सुदर्शन मजबूती के साथ उनको साथ देगा। अगले कॉलर, जय हिंद बोलिए। जय हिंद सुरेश जी, क्या कहेंगे? सर ये जो राजनेता है सर, ये दिमाग है, दिमाग। हाँ। इनको क्या है, देश से बाहर निकाल देना चाहिए। दिमाग की तरह हिंदुस्तान को खा चुके हैं लोग। बिल्कुल धन्यवाद, हम आपको उपाय दिखाते हैं कि क्या उपाय हो सकते हैं। देखिए, खेल विधेयक सरकार तुरंत संसद में पास कराए। पिछले कुछ वर्षों से राष्ट्रीय खेल नीति लागू करने का प्रयास किया जा रहा है, मगर कुछ सांसदों और राजनीतिक दलों के दबाव के कारण ये पास नहीं हो पा रहा है। अगर ये विधेयक पास हो जाता है तो उससे राजनेताओं को खेलों में प्रवेश पर प्रतिबंध लग जाएगा। सट्टेबाजी पर सरकार कानून बनाए। जिस प्रकार से आज क्रिकेट मैच में सट्टेबाजी हो रही है उससे इस खेल के अस्तित्व को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। साथ ही कड़े कानून नहीं होने के कारण सट्टेबाज खेल को जुआ की तरह खेल रहे हैं और काले धन को सफेद बनाकर अपनी तिजोरी भर रहे हैं। खेल संघों में राजनेताओं की जगह वरिष्ठ खिलाड़ियों को मौका दिया जाए। कोई भी राजनेता खेल संघों पे काबिज हो जा रहा है मगर उसके पास किसी भी प्रकार का खेल का अनुभव नहीं होता जिससे वो सही तरीके से खेल संघों को संचालित कर पाए। खेल संघों का चुनाव और ऑडिट समय पर हो। खेल संघों का चुनाव सही समय पर नहीं होने के कारण कई राजनेता इसे अपना पुश्तैनी संस्था बना चुके हैं। साथ ही खेल संघों में ऑडिट सही तरीके से नहीं होने के कारण हमारे राजनेताओं को भ्रष्टाचार करने का मौका मिल जाता है। जो ऑडिट की बात आई, हिसाब किताब की बात आई, आप जानकर चौंक जाएंगे कि कई संस्थाएं चंदा इकट्ठा करती है, कई महासंघ सरकारी अनुदान लेते हैं, उनका करीब करीब 95% हिस्सा उसके रखरखाव, व्यवस्था, सैलरी और बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव विषयों पर खर्च होता है या राजनेताओं के प्रवास पर आए उनको दिए जाने वाली सुविधाओं पर खर्च होता है। 5% या 3% या 2% पैसे कई जगह पर केवल खिलाड़ियों को खेल के लिए बचते हैं। ऐसे में क्या ये दुकान मालिक के लिए चल रही है या ग्राहक के लिए चल रही है, ये सोचना जरूरी है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद बोलिए। जय हिंद, क्या कहेंगे आप? जी सर, ये मैं आईपीएल के जो जितने भी मैचेस चल रहे हैं, हाँ, उसमें जो है सो मीडियम क्लास के लोग भी ये लगा लेते हैं बिट। हाँ।
इस खेल को बंद कर देना ही चाहिए। जी धन्यवाद। अगले कॉलर जहीन बोलिए, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? जी हेलो। हाँ बोलिए। हेलो आप लाइव में जुड़ चुके हैं, क्या कहना चाहते हैं? जी सर लाइन पे जुड़े हुए हैं। धन्यवाद। हमने एक प्रयास किया आपके सामने आज का ये मुद्दा रखने का, और इस मुद्दे में राजनेता केवल हम, सारे ही राजनेता खराब है ऐसा हम नहीं कहते, मैं दोबारा कहता हूँ, ऐसे हम ऐसा कह के जो थोड़े बहुत कुछ अच्छे राजनेता बचे हैं उनके खिलाफ माहौल नहीं करना चाहते, हम सब कुछ गंदा है नहीं कहना चाहते, लेकिन ये सही है कि गंदे का अनुपात बहुत ज़्यादा है, इस अनुपात को बदलने के लिए अच्छाई को और बढ़ावा देने की ज़रूरत है, इसलिए राजनीति में अच्छे अच्छे लोगों ने आने की ज़रूरत है, लेकिन वहां से पहले गंदे लोगों को हटाने की जरूरत है। उनको हटाने का मतलब है वो जहां जमे बैठे हैं, जहां से उनको ताकत मिलती है, जहां उनको और शक्ति मिलती है, जहां से समर्थक मिलते हैं, जहां से पैसा मिलते हैं, ऐसे लोगों को हम पहले अपने जड़ से उनको हटाएं, वहां पर अच्छे लोगों को बिठाएं, एक एक करके ऐसे विभिन्न क्षेत्रों से जब हम इनको हटाएंगे तब जाके इनको जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए आपको सही समय और सही ताकत मिलेगी, ज्यादा ताकत नहीं लगानी पड़ेगी, सज्जन शक्ति ज्यादा एक आ जाएगी, मजबूत होगी, और इसी के लिए आज हमने ये विषय आपके सामने लाया है। हम आशा करते हैं कि हम आज इस विषय को न्याय देने के लिए हमारे प्रयास के पूरे जो हमने प्रयास किए उसको आप समझ रहे होंगे और इस समझ के साथ इस विषय को आगे बढ़ाएंगे। बिंदास बोल में क्या हो विषय, किन मुद्दों को हम बिंदास बोल में उठाए, ये आप हमको भी लिख कर भेज सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए हमारा पता है सुदर्शन न्यूज चैनल A88 सेक्टर 4 नोएडा, हमारा पिन कोड है 201301 UP। आप हमको बिंदास बोल @sudarshantv.com पर लिख भेज सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया के सारे ID नीचे दिए हुए हैं, इस पर भी आप अपनी बात को हम तक पहुंचाने के लिए उपयोग में ला सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।